वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ना कोई डांस वीडियो शूट करने वाली हूँ। डांस वीडियो तो शूट करूंगी बट बाद में। सो गाइस, आज का टॉपिक मेरा ये है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं कितने टाइम से यूट्यूब के साथ काम कर रही हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, और क्या क्या वो है कि हम अपने नए चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी और वीडियोस देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने नए चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मेरा जो पुराना चैनल था वो मैंने न्यू फोन में फर्स्ट ईमेल आईडी क्रिएट की थी, और जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आप सबको। जो मेरा पुराना चैनल था वो मेरी फर्स्ट आईडी थी मेरे न्यू फोन की, मैंने फोन भी चेंज किया है अभी, तो वो उसे ग्रो करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, जब मैंने वो क्रिएट की थी तो मैंने एक डांस वीडियो शूट किया था। और ये तो है कि ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले चैनल क्रिएट किया, आप कुछ सेटिंग्स करनी होती है ब्राउजर में जाके, डेस्कटॉप साइट में, ये सारी चीजें, मतलब सेटिंग्स तो करनी पड़ती है। साथ में आपको ऐसे कंटेंट अपलोड करने पड़ते हैं शुरू में जिससे कि चैनल को रिकमेंड किया जाए। डांस वीडियोस होते हैं तो वो मतलब चैनल फिर रिकमेंड कर देता है यूट्यूब, न्यू सॉन्ग ट्रेंडिंग और व्लॉगिंग, अगर हमारा थंबनेल और व्लॉगिंग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं तो वीडियो हमारी मतलब ग्रो करती है, हमारा चैनल ग्रो करता है। बट मेरा जो चैनल था वो मैंने मतलब मेरा ग्रो हो गया था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट आईडी थी मेरे फोन की, और मुझे तो यही लगता है, बाकी का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आप सभी को। तो जो मेरा चैनल था उसमें मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा चैनल बंद हो गया था। क्या हुआ था कि आप सबको क्या मेरे पुराने सब्सक्राइबर को ही पता होगा कि मैं प्रोग्राम्स करती हूँ जिसके कारण मुझे कंटेंट बनाने का मौका नहीं मिला, वीडियोस बनाने या शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे ना एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते रेगुलर ही प्रोग्राम चले, जिसकी वजह से थकावट और प्रोग्राम में टाइम और मतलब नहीं हो पा रहा था कि मैं यूट्यूब पर ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि इधर प्रोग्राम चल रहे थे, वहां से आने के बाद बिल्कुल मैं थक चुकी होती हूँ, फिर मुझे नींद आने लगती है और मैं लेट आती भी थी क्योंकि दिन का प्रोग्राम था उस टाइम, तो इसलिए रेगुलर चल रहे थे। तो इसीलिए फिर जब मैंने सोचा कि हाँ मतलब यूट्यूब पे मैं दो तीन दिन से कुछ नहीं डाल रही हूँ, डालना चाहिए, तो मैंने कुछ कंटेंट ऐसे देखे कि हाँ वो दूसरों का ही अपलोड कर रहे थे, अपना नहीं अपलोड कर रहे थे, वो किसी और का ही अपलोड कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना करूं। तो मैंने भी वही गलती दोहराई बट उनमें और मन में बहुत अंतर था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, वो पूरी नॉलेज के साथ उसे अपलोड करते थे और थोड़ा दिमाग लगा के सारी चीजें करते थे, बट मैंने थोड़ी जल्दीबाजी की जिसकी वजह से मैंने अपना चैनल खो दिया। बट मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये गलती मत कीजिएगा, अगर जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो भी न्यू चैनल बनाना चाहते हैं, और न्यू चैनल बनाने वाले अगर आपके फोन में फर्स्ट आईडी जो आपने न्यू फोन में क्रिएट की है आप चैनल उसी से बनाइएगा, ये नहीं कि आपने फर्स्ट आईडी क्रिएट कर ली, दूसरी भी क्रिएट कर ली, तीसरी चौथी पांचवी, नहीं, आपकी फर्स्ट आईडी जो होगी जिसमें ईमेल, वो ही चैनल ग्रो करता है, मतलब मैं अपना बताती हूँ क्योंकि मुझे तो यही लगता है। जो वो भी था मैंने उसे इजीली ग्रो हो गया था, मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, और जो मेरा ये है न्यू चैनल, मैं आपको यकीन नहीं होगा बट मुझे लिए 2 वीक्स हो गए हैं इस चैनल को ओपन किए हुए, जो मैं वीडियोस डालूंगी 2 वीक्स हो गए हैं मेरे, आप लास्ट वीडियो देखना जाके, 2 वीक्स हो गए हैं
वीडियोस अपलोड करते हुए, और मेरे सब्सक्राइबर 1000 के आसपास होने वाले होंगे, कंप्लीट होने वाले होंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कंप्लीट हो गए, बट कंप्लीट होने वाले होंगे, और मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला है। बट इसे ग्रो करने के लिए ये तो है कि शुरू में आपको मेरा पता क्या होता है, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने जब वीडियो डाली इस पे तो मुझे काफी घंटों तक एक भी व्यू, एक भी सब्सक्राइबर, मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। तो उससे ना मुझे बहुत बुरा लगा, काफी निराशा हुई। बट मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा यार अगर कोई नहीं कर रहा तो तू ही कर दे सब्सक्राइब। तो उसने कहा ठीक है चल चैनल नाम बता, उसने सब्सक्राइब किया। फिर मैंने अगले 24 घंटे में मैंने अपने शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यू देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि इतनी जल्दी व्यू नहीं आते, उसमें चैनल क्रिएट कर लिया आपने अच्छी बात है, बट ब्राउजर में जाके आपको वाइट स्टूडियो मतलब पूरा चैनल ओपन करना होता है डेस्कटॉप साइट में, डेस्कटॉप साइट सॉरी, तो उसमें आपको ओपन करना होता है, उसमें नीचे सेटिंग होती है, उस सेटिंग पर क्लिक करके आपको चैनल की ना पूरी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वहां से सेव करने के बाद आपको फिर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करनी होती है। अपलोड कर दी ये नहीं कि वहां पर चैनल में सेटिंग कर दी और वीडियो भी डाल दी, नहीं, ये तो कर लिया अपना, इतने यहाँ पे काम नहीं खत्म होता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा और मतलब थोड़ा वो धैर्य रखना होगा कि मतलब अभी 4-5 व्यू आ रहे, 20-30 व्यू आ रहे, कोई बात नहीं अभी इतने आ रहे हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए आएंगे। जब क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे शुरू में 4-5, फिर 20-30, फिर एकदम से 100-400 ऐसे व्यू देखने को मिले, तो मुझे काफी खुशी है, मुझे लगा कि हाँ ये चैनल ग्रो करेगा। आप सब जब भी न्यू चैनल स्टार्ट करते हैं आप पहले कोई शॉर्ट्स अपलोड करके देखिए, अगर 24 घंटों में आपके शॉर्ट्स पे व्यू आता है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी, 23-22 जो भी, अगर व्यू आता है तो आप समझ जाओ कि हाँ आपका चैनल ग्रो करेगा, यूट्यूब चैनल को रिकमेंड करेगा, सपोर्ट करेगा। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थंबनेल पे काम करना होगा और अपने वीडियो के कंटेंट पर काम करना होगा, जिसके लिए वीडियो में व्लॉगिंग कर रहे हैं जैसे कि आप, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट होने चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे आपकी वीडियोस को आगे देखने के लिए। और थंबनेल, थंबनेल वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि वीडियो पर क्लिक करने का मतलब क्लिक करे लोग, इतना इम्पोर्टेंट होता है थंबनेल, क्योंकि सारा खेल ना थंबनेल से होता है, क्योंकि लोग जब तक थंबनेल और आपके टाइटल्स नहीं पढ़ेंगे वीडियो पे क्लिक कौन करेगा, नहीं करता कोई भी। तो इसलिए सबसे मेन चीज है आपका थंबनेल और आपके टाइटल, इन दोनों पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा अगर नए चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है तो। ठीक है, इतना हो गया उसके बाद गाइस। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके चैनल पे आपका चैनल मतलब थोड़ा बहुत रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब, क्योंकि आपके वीडियोस में कुछ अच्छी चीजें उसको मिले, लोग एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, आपका थंबनेल अच्छा है, टाइटल अच्छा है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को सपोर्ट करेगा, आगे भेजेगा आगे लोगों को। तो इसीलिए आपको थंबनेल और अपने वीडियो पार्ट में कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट रखना है, जिससे कि लोगों को अच्छा लगे देखने में कि हाँ भाई अच्छा है वीडियो, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो वही है, उसके बाद आपको मोनेटाइज के लिए क्या करना होता है। गाइस सच बताऊं तो मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी, जब मैंने शुरू में यूट्यूब खोला था तो मैंने अभी 2024 चला है, मैंने 2021 में खोला था, 2021 या 2020 में चैनल ऑन किया था, ये नहीं पुराने वाला ऑन किया था जिसमें मेरे 4 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे और वॉच टाइम भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ऐड होने लगे थे। और आजकल मैं बता दूं कि न्यू चैनल जब भी कोई क्रिएट कर रहा है, मैंने जब ये चैनल क्रिएट किया, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई ट्रिक, कोई वेबसाइट, किसी तरह का वो नहीं बता रही हूँ मैं आपको, मैं अपने बता रही हूँ कि जो जो मैंने किया चैनल ग्रो करने के लिए, वही चीजें मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं अलग से कुछ नहीं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी नॉलेज है, और मैंने भी वीडियोस ही देखी है,
इधर उधर की, पूरा यूट्यूब छान मारा, कोई और लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखी, जब जाके मुझे इतनी सारी मतलब चीजें पता चली है। तो आप सब भी जब भी नया चैनल स्टार्ट करें तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि पहले सेटिंग्स करनी है और इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जो मेरा ये चैनल है, मैंने भी, मुझे मतलब सबर नहीं हुआ था, मैं फिर पता मैं वीडियोस देखना स्टार्ट कर रही थी कि यार वो उस टाइम मतलब व्यू अच्छे खासे आने लगे थे ना लॉन्ग वीडियोस पे, तो मैं कह रही थी यार इस पे ना भी वॉच टाइम ऐड हो रहे हैं ना, मुझे मतलब कुछ चीजें शो नहीं हो रही थी मुझे मेरे वाइट स्टूडियो में, तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या हुआ उसमें, क्योंकि मेरे पुराने चैनल में सारी चीजें शो हो रही थी, तो इसीलिए मैं बहुत सोच में पड़ी थी। तो मैंने यूट्यूब में और वीडियोस देखी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए इसका कोई वो नहीं है। आप अपने मतलब यूट्यूब पे अपने चैनल पे काम कीजिए और काम करते रहिए, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा आपके वाइट स्टूडियो में मतलब सारी चीजें शो होने में। वॉच टाइम क्यों नहीं ऐड हो रहा है, थोड़ा समय लगता है बट वो हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो वॉच टाइम ऐड जरूर होगा, उसकी टेंशन तो लीजिए मत, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है नए चैनल को ग्रो करने में और उसकी सारी सेटिंग्स करने में। तो मेरे चैनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं सोच रही थी, काफी परेशान थी कि यार वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं बट बहुत टाइम ऐड नहीं हो रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र करो, अपने आप ऐड हो जाएंगे। मैंने भी वीडियोस देखने के बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। फिर मेरे 2 हफ्तों के बाद ऐड होना स्टार्ट हो गए थे, 2 हफ्ते नहीं, जल्दी 1 हफ्ते के बाद ऐड होना स्टार्ट हो गए थे, व्यू अच्छे खासे आने लगे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप सब। और मैं अपने चैनल पे डांस वीडियो और व्लॉग अपलोड करती हूँ, बट मुझे, मैं काफी मतलब काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं क्यों ना आप सबके साथ अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपनी बातें शेयर करूँ, ताकि आप सबको कुछ मदद मिले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि न्यू फोन की फर्स्ट आईडी जो होती है वो चैनल बनाने में काफी हेल्पफुल होती है, काफी अच्छा होता है अगर हम उसका चैनल बनाए उसी आईडी से, तो वो जल्दी ग्रो करती है, चैनल भी अच्छा चलता है। तो आप सब भी, जो भी आप सब में से यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो नए चैनल जब भी क्रिएट करें तो ऐसे ही कीजिएगा, ये आपने 4-5 आईडी बना ली नहीं, आपको फर्स्ट आईडी से ही क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज्यादा वो होता है मतलब ग्रो करने में जल्दी मतलब हो जाता है, जो भी हो समझ जाओ। क्योंकि मैं अपनी बातें बता रही हूँ, कोई अलग से नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी चीजें बता रही हूँ आप सभी को, कुछ भी अलग से नहीं है, जो मैं, मुझे पता है, जो मैं अपने यूट्यूब में मैंने किया सेटिंग्स की, वो सारी चीजें ही मैं बता रही हूँ, पर इसके अलावा मैं किसी वीडियो को कॉपी करके आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं बस उतना ही बता रही हूँ जो मैंने देखा किया और जिससे लगा कि हाँ मुझे ग्रो मतलब मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, बस मैं वही सारी चीजें बता रही हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है कि अगर आपके चैनल पर व्यू नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ी देर बाद, चाहे पहले ही चाहे जब भी, आप अपनी वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिए शायद, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैंने अपने 2-3 लोग वीडियो पे, मैंने अपने 2-3 वीडियोस को बार बार देखा, जिससे कि जो उसके ना व्यू बढ़ गए, मतलब उससे परसेंटेज बढ़ गई आगे जब बढ़ने की, और वो वीडियो काफी आगे बढ़ी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको वीडियो देखनी चाहिए 2 से 3 बार 4 बार, जिससे कि आपकी वीडियो को ना आगे बढ़ाया जाए, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरी वीडियोस के साथ यही हुआ था। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, वैसे कोई ट्रिक नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा मतलब चैनल, क्योंकि वो ना व्यू काउंट हो रहे थे, मैं जब मैंने 2-3 बार अपनी वीडियो देखी तो वो व्यू काउंट हो रहे थे मेरे वीडियोस में। ओके गाइस, तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप सबको वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी या कुछ हेल्प मिली है आप सबको, तो कमेंट में यस लिख देना,
और रेड हार्ट भेज देना कि लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स माय फैमिली। ओके बाय बाय।